हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द अनुराग मिश्रा शो। और मैं हूं आपका टीचर अनुराग मिश्रा। जी हां, मैं आज बात करने वाला हूं आपकी क्लास टेंथ की चैप्टर वन का, और उसका नाम है द ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। जी हां, ये फुटप्रिंट विदाउट फीट का पहला चैप्टर होगा जो आपके इंग्लिश में है, लगती है बुक। तो चलिए इस कहानी को शुरू करें। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी आपके सब्जेक्ट के वीडियोस, खास करके उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं लेके आने वाला हूं, कुछ आ भी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अगर आज की स्टोरी की हम बात करें तो राइटर हैं जेम्स हैरियट। जी हाँ, ये एक वेटनरी सर्जन होते हैं, अगर कहा जाए तो पशुओं के डॉक्टर होते हैं। इन्होंने जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, उन सारे में कहीं कहीं अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर किया है। अगर हम लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उनका डेली लाइफ में कैसा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था, उन सारी चीजों को कहीं न कहीं रखने की कोशिश की है। कुछ ऐसी ही एक ईमानदार कोशिश है यहाँ पे। इस कहानी को अगर हम देखें तो टाइटल उन्होंने दिया है ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। जी हाँ, यानी एक सर्जरी की सफलता की कहानी या उस पर विजय की कहानी। ट्रायंफ की अगर डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए तो सफलता या विजय के सेंस में आती है, कुछ ऐसा ही है। इस कहानी को एक तरीके से, अगर जहां तक अभी मैं इनको, इनकी जितनी भी स्टोरीज हमने पढ़ी हैं, खास करके पिछले 4-6 सालों में लगभग 8-10 स्टोरीज मैं इनकी पढ़ चुका हूं, और हर जगह इन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर किया है। अब इस कहानी की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो इसमें तीन पात्र आते हैं। जी हाँ, तीन पात्र कौन कौन, अगर देखा जाए तो सबसे पहले जेम्स हैरियट यानी डॉक्टर साहब खुद, एक डॉगी आता है यानी ट्रिकी, और डॉग का ओनर यानी मिसेस पॉम्फ्री। जी हाँ, ये तीन लोग इस कहानी के पात्र हैं। कुछ और भी साइड कलाकार भी आपको मिलेंगे, वो जैसे जैसे आपको मिलेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि कितनी इम्पोर्टेंस कौन रखता है। तो थोड़ा सा देखते हैं, कहानी से कुछ मोरल्स भी आपको निकालने की कोशिश करनी होगी कि इस कहानी से आपको देखने को क्या मिलता है या सीखने को क्या मिलता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सॉफ्ट मोड़ से, और मोड़ ये है कि डॉक्टर साहब जा रहे होते हैं, उनको एक बहुत ही ओवरवेट ओवरसाइज डॉग, थुलथुला एक तरीके से मोटा सा डॉग मिलता है जो चलने में असमर्थ होता है या बहुत स्लो एक तरीके से चल पाता है। क्यों? क्योंकि ओवरवेट है, ओवरसाइज्ड है, तो बहुत ज्यादा एक तरीके से मोटा हो गया है खा पी के। तो और उसके साथ उसकी ओनर होती है, तो डॉक्टर साहब उससे कुछ पूछें कि क्या हाल है, क्या चाल है, वो तुरंत ही एक तरीके से अपना जस्टिफिकेशन देने लगती हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला मेरी हालचाल नहीं, कुत्ते की हालचाल पूछ रहा है। तो तुरंत तो बताने लगती हैं कि मैं तो इसको जंक फूड नहीं देना चाहती हूँ, ये नहीं खिलाना चाहता हूँ, वो नहीं खिलाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, ये बहुत खाता है या इसको देख के रहा नहीं जाता है, एक दया आती है, इसलिए हम इसको खिलाते चले जाते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो डॉग के बारे में भी है कि वो बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर्ड यानी बहुत ही ज्यादा, अब घर में अगर एक दो डॉग ही रहें और आप उनको ओवर पैम्पर्ड करें तो सीधी सी बात है वो ओवरवेट और ओवरसाइज्ड हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है ट्रिकी के साथ। घर पे उसका एक और कंपेनियन यानी एक डॉगी और होता है, वो ग्रेहाउंड प्रजाति अगर देखा जाए तो, खास करके अमेरिका में ज्यादा मिलती है ग्रेहाउंड डॉग्स, तो उसकी प्रजाति का एक डॉग होता है। तो यही घर में दो डॉग होते हैं। तो जो मिसेस पम्परिंग होती हैं वो उसको काफी ज्यादा एक तरीके से पैम्पर्ड करके यानी लाड़ दुलार के साथ रखती हैं, वो काफी ज्यादा एक तरीके से जंक फूड वाइन्स ये सारी चीजें लेने लगता है। जो उसको तरीके से अगर वाइन दिया जाता है तो थोड़ा सा ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए उनको दिया जाता था, खास करके जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पे वाइन यानी शराब एक नॉर्मल कल्चर में इंक्लूड किया जाता है, वो चाहे एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस हो। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे है कि डॉग भी ओवर पैम्पर्ड है, उसको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं खाने के लिए, चाहे वो जंक फूड हो या फिर मीट हो या फिर आपका वाइन हो, ये सारी चीजें उसको मिल रही हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है। तो जब डॉक्टर साहब उनसे हालचाल पूछते हैं कि आपके डॉगी का, या उसने उनके पूछने से पहले ही मैडम का जस्टिफिकेशन रेडी रहता है कि हमारे डॉग को कोई परेशानी नहीं है, हाँ थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रही है, वो मेरी ही गलती है, डॉग की गलती नहीं है, वो नहीं कुछ ज्यादा खाता है, मैं ही उसको खिलाती रहती हूँ। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस एक तरीके से शेयर करती हैं और डॉक्टर साहब आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों तक डॉक्टर साहब सोचते हैं कि शायद उन्होंने थोड़ा सा, वो सलाह देते हैं उस डॉग ओनर को कि आप इसको, इसका केयर करिए, नहीं तो फिर आगे चल के बड़ी दिक्कत आने वाली है, जैसा नॉर्मली डॉक्टर करते हैं, सजेशन देते हैं, उन्होंने एडवाइस दी। अब मानना ना मानना तो उनके ऊपर था,
अब वो डॉक्टर साहब सोचते हैं कि वो हमारी सलाह पे काम कर रही होंगी, तो निश्चिंत हो जाते हैं। अचानक कुछ दिनों के बाद उनके पास एक कॉल आती है, और कॉल रहती है मिस पैम्फ्री की। जी हाँ, उन्हीं की कॉल आती है कि उनका डॉगी जो है यानी ट्रिकी अब बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहा है, तो आप इसका कुछ इलाज करिए। अब डॉक्टर साहब सोचते हैं कि उसको तो उसके यहाँ उतना अच्छा इलाज मिलेगा नहीं, हम क्या करते हैं उसको अपने पास बुला लेते हैं, कुछ दिन अपने पास रखेंगे फिर उसको भेज देंगे जब वो सही हो जाएगा। किसी अटेंडेंट को भेजने के बजाय वो खुद जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो डॉग ओनर है उसको कन्विंस करना आसान नहीं होगा कि वो अपने बिलव्ड डॉग यानी जो उनका प्यारा डॉगी है उसको अपने से दूर रखे। तो कुछ ऐसा ही करने के कारण वो जेम्स हैरियट खुद जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि मैं इसको अच्छे से ख्याल रखूंगा और पोस्ट ट्रीटमेंट जब कुछ सही हो जाएगा तो मैं इसको आपको रिटर्न कर दूंगा। तो वो मिस पैम्फ्री तैयार हो जाती हैं और ट्रिकी को हैंडओवर कर देती हैं। वो यानी जेम्स हैरियट और ट्रिकी गाड़ी में आ जाते हैं, उसके जितने भी बाउल्स होते हैं, ब्लैंकेट होता है, बाकी सारी चीजें एक्सेसरीज होती हैं डॉगी के, वो सारे उनकी गाड़ी में उनका जो असिस्टेंट होता है वो रखवा देता है। अब ये क्या करते हैं, डॉगी को लेके अपने क्लिनिक आ जाते हैं। जी हाँ, जो उन्होंने जेम्स हैरियट ने अपना क्लिनिक बना रखा है, वहां बहुत सारे डॉग्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। अब ये काफी एक्सपीरियंस थे तो इनको देख के पता चल जाता है ये इस डॉग में क्या प्रॉब्लम है। तो ट्रिकी को देखते हैं काफी ध्यान से और उनको पता लग जाता है कि इसका इलाज कैसे करना है। तो उसकी कोई और सर्जिंग ना करके सबसे पहले सोचते हैं मैं इसकी डाइट कंट्रोल करता हूँ। अब वो उसको कुछ दिन तक सिर्फ वाटर पे रखते हैं। जी हाँ, सिर्फ पानी देते हैं, बाकी कुछ नहीं देते हैं। अब एक तो वो पैम्पर डॉग था, जहां केवल दो डॉग्स पूरे घर में थे, यहाँ उसको 15-16 या 20 डॉग्स के आसपास मिल रहे हैं, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। एडजस्ट इन सेंस अब आप समझ सकते हैं कि कहां सिर्फ दो लोग थे यानी दो डॉग्स थे, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो सबके प्लेट्स या बॉल्स अलग अलग होंगे, बट कितना भी आप डॉग्स को ट्रेन कर लो लेकिन वो दूसरे के प्लेट में जाना तो नहीं छोड़ेंगे, कुछ ऐसा ही होता है। तो उसको तरीके से अपने आप को इधर उधर मूवमेंट करना पड़ता है। दो दिन के बाद वो थोड़ा सा एनवायरमेंट में खुलता है, लोगों से यानी अपने फ्रेंड अपनी जो सर्किल होती है डॉग की उसमें वो घुलने मिलने लगता है। वहां से घुलने मिलने से थोड़ा सा वो और जो भी अलग तरीके से उत्साही हो जाता है, उसके फेस पे अगर या उसके बॉडी में तो देखा जाए तो कुछ चेंजेस स्टार्ट होते हैं। अब धीरे धीरे वो उसकी डाइट कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि कैसे कैसे उसको दिया जाए। इन बिटवीन अगर देखा जाए तो जहां तक जेम्स हैरियट उसकी डाइट कंट्रोल कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो उसकी ओनर है मिस पैम्फ्री, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका तो बिलव डॉगी चला गया है। तो वो क्या करती है, टाइम टाइम पे जो उसको डेली अपने तरीके से खाना दिया करती थी वो इसको भिजवाती रहती है, चाहे वो पैकेज्ड मीट रहा हो या फिर वाइन रही हो। अब यहाँ पे जो ओनर है डॉग की वो सोचती है कि हम तो खाना भिजवा रहे हैं तो डॉक्टर साहब खिला रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब और कमाल के निकलते हैं, वो क्या करते हैं उसको अपने हिसाब से खाना देते हैं और जो मैडम भेज रही होती हैं, चाहे वाइन रही हो या फिर और कुछ रहा हो, उसको खुद कंज्यूम कर लेते हैं कि उनको मिलता रहे सारी चीजें। तो ये सारी चीजें साथ साथ में चलती रहती हैं, उसका डाइट कंट्रोल चलता रहता है। धीरे धीरे वो जो डॉग होता है वहां के जो 15-16 डॉग होते हैं उनके क्लिनिक के, उसकी सर्किल में आ जाता है और अपने आप को तरीके से उस गैंग का हिस्सा बना लेता है, उस ग्रुप का हिस्सा बना लेता है। धीरे धीरे वो वहां से काफी घुल मिल जाता है और उसके सेहत में काफी सुधार आता है। एक दिन मिस पैम्फ्री का फोन आता है और अपने डॉग की हालत के बारे में पूछती है कि कैसा है। तो डॉक्टर साहब को पता है कि कैसे कन्विंस करना था, तो वो उनके लिए एक वर्ड का यूज करते हैं, और अगर हम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखें तो कन्वेलेंसिंग होता है, स्पेलिंग आपके सामने होगी, और इसकी मीनिंग होती है रिकवरी वंस हेल्थ आफ्टर सम टाइम ऑफ इलनेस। यानी एक आदमी या एक तरीके से कोई भी पर्सन हो जो काफी लंबी बीमारी के बाद जब रिकवर कर रहा होता है उस मोड को कहा जाता है ये। तो कुछ ऐसा ही वो बताते हैं, इस टर्म का यूज करते हैं कन्वेलेंसिंग का, कि आपका डॉगी जो है सर्जरी के बाद या ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी कर रहा है तो उनको बड़ा रिलैक्स फील होता है। फिर वो सोचते हैं कि इस डॉग को मैं वापस करूं कि ना करूं, क्योंकि इसी बहाने या कुछ दिन और रखे रहता हूं तो मुझे और सारी वाइन्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, लेकिन फिर बाद में जो उनका कर्तव्य होता है वही करते हैं और मिस पैम्फ्री को फोन करते हैं कि आइए आपका डॉगी अब रेडी है घर पे जाने के लिए।
मिस पम्फ्री अब थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी आ जाती है, क्लिनिक के सामने रुकती है, वो उतरती हैं और डॉगी तुरंत उनको देख के उनकी तरफ दौड़ लगा देता है। क्यों? अफेक्शन। जी हाँ, काफी दिनों से अपनी मालकिन से दूर रहता है, जैसे देखता है तो दोनों का प्यार उमड़ आता है और डॉगी उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। और अब डॉगी को अच्छा देख के मिस पम्फ्री भी खुश हो जाती हैं और जेम्स हैरियट भी खुश होते हैं कि उन्होंने एक नेक काम किया है, और स्टोरी यहीं पे फिनिश कर दी जाती है। तो इस स्टोरी में अगर हम देखें तो सबसे पहले दो तीन क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जेम्स हैरियट से मिस पम्फ्री ने क्या क्या चीजें बात की, कौन कौन से फूड आइटम की बात की, जो आइटम वो भेजती थी क्या वो डॉग को प्रोवाइड कराते थे नहीं कराते थे, जेम्स हैरियट ने कौन सी सर्जरी परफॉर्म की या नहीं की, फिर ये सारी चीजें क्वेश्चंस आपको बुक में मिल सकती हैं। तो ये था इस स्टोरी के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तब तक फिर और भी चीजें इसमें अगर मिलेंगी, आपको लगता है कि कुछ और समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी आपको क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। गुड डे।